पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। कार्यकर्ताओं के साथ कमल का फूल लेकर नाचते गाते हंसते हुए दरअसल ये भाजपा के नेता इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनके पीछे हजारों समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की भीड़ चल रही है। हजारे कार्यकर्ताओं की भीड़ हो तो कोई भी नेता खुश होना तय है। मांधाता में भाजपा के प्रत्याशी नारायण पटेल आज मंत्री गोपाल भार्गव के साथ पुनासा रिटर्निंग ऑफिसर के पास नामांकन भरने पहुंचे। इस दौरान हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ उनके साथ थी। इसके अलावा एक नामांकन सभा का भी इस दौरान आयोजन किया गया जिसमें भाजपा के नेताओं ने अपनी पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्य और जो मोदी एवं शिवराज सिंह सरकार की योजनाएं हैं उनका बखान किया। बहरहाल आज जो है लगभग सभी पार्टियों के नामांकन संपन्न हो गए और अब विशुद्ध रूप से नामांकन स्वीकार किए जाने के बाद सभी प्रत्याशी मैदान में होंगे और आप सबके बीच में आने वाले हैं। जनसंपर्क लगभग सभी जगह पर शुरू कर दिया गया है। गांव-गांव, गली-गली सभी प्रत्याशियों ने जाना शुरू कर दिया है। हम आपको ये भी अपडेट देंगे कि कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय और अलग अलग पार्टी के कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं। ये सभी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। लगातार हम खंडवा जिले की अपडेट आपको दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के सैलाब के साथ आज मांधाता विधायक नारायण पटेल अपना नामांकन दर्ज करने पहुँचे। मंत्री गोपाल भार्गव ने पहले मांधाता में नामांकन दाखिल कराया, उसके बाद खंडवा में आकर कंचन मुकेश तनवे का भी नामांकन उन्होंने दाखिल कराया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर जो नेता हैं उन्हें आनंद आ गया। भाजपा के झंडे हाथ में लेकर जिस तरीके से कार्यकर्ता आज मांधाता क्षेत्र में रोड पर निकले थे उसको देखकर कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं उनको अच्छा लगा और स्वाभाविक है भीड़ देखकर नेता को सबसे ज़्यादा आनंद आता है और ये माहौल बनाने का भी प्रयास रहता है। हर प्रत्याशी ने ये कोशिश की है कि वो भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को झंडे बैनर लेकर रोड पे निकाले ताकि नामांकन भरते समय ही चुनावी माहौल जो है वो बनाया जा सके। लगभग हर प्रत्याशी ने दो दो तीन तीन बार जाकर नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इसका कारण है कभी कोई डॉक्यूमेंट कम रह जाता है, कभी कुछ होता है, कभी बी फॉर्म जमा करने जाता है, लेकिन जब फाइनल नामांकन दाखिल करने कोई भी प्रत्याशी जाता है तो वो हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ लेकर जाना चाहता है। इसी तरीके से जो है मांधाता में भी प्रयास किया भाजपा ने कि माहौल को अपने फेवर में किया जाए, भीड़ दिखाकर माहौल बनाया जाए। निश्चित ही भीड़ देखने की बात करें तो मांधाता में आज नामांकन रैली के दौरान अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। इसी तरीके का दमखन कांग्रेस के उत्तम पाल सिंह ने भी दिखाया था। देखा जाए तो अब जो है चारों विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ भाड़ लाकर माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टी सफल भी होती दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उन नॉर्मल कार्यकर्ताओं के लिए है जो एक सामान्य पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, गरीब टाइप की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता क्योंकि चुनाव में आज की डेट में आप जानते हैं कितना धन बल की ज़रूरत है और ये जो धन बल है वो सेटल पार्टियों के पास ज़्यादा है, एक नॉर्मल व्यक्ति के पास नहीं रहता। बहरहाल हमने उन लोगों को भी आपके समक्ष दिखाया ताकि हर व्यक्ति को मौका मिले जो आपकी सेवा करना चाहता है। जैसे आज नामांकन पत्र दाखिल किया हूं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद चाहिए और निश्चित मिलेगा। ये अभी कांग्रेस का आरोप लगा रही है कि भाजपा साड़ी बांट रही है। क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई ऐसी साड़ी बांटने का कुछ कोई ऐसा मामला ही नहीं है। मांधाता में क्या मुद्दा रहेगा? क्या विकास? विकास, विकास बार मात्र विकास के मुद्दे पे ही चुनाव। हाँ, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे। कितने वोटों के अंतराल से पिछली बार जो रहा है उससे दुगना की उससे चौगुना? देखो जनता का आशीर्वाद रहा तो अच्छे वोटों से जीतेंगे। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।